शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से किसकी इजाजत से तुम दोनों इतनी रात को सैर सपाटे पे निकले थे? श्रद्धा, हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमने भी अपनी बहन कीर्ति की तरह हरकतें शुरू कर दी? अरे मम्मी, अरे तनुजा जी, इतनी रात को बच्चों को क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे अपनी प्यारी बहू से पूछिए ना, इनको रात में आइसक्रीम खाने का मन किया तो हमारे बेटे को लेके निकल पड़ी। अरे इस घर में बड़ों का तो लिहाज है नहीं कि उनकी इजाजत ली जाए। अरे त्रिपाठी घर की नई बहुओं के नए लक्षण, एक तो निकल ही गई है, अब दूसरी भी निकलने के फिराक में है। बस मम्मी, आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी बोल रही है आप श्रद्धा को, वो आगे आपसे डरी हुई है। मैं ही जिद कर रहा था बाहर जाने की। भगवान, मतलब अब पत्नी के प्यार में तुम हमसे मुंह लड़ाओगे? अरे मम्मी, आप कहीं की बात कहीं ले जाती हो यार। अरे बस करो आप दोनों। मुझे जी आप भी ना, बेटा मम्मी गलत नहीं है, इतनी रात को बगैर बताए बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है बेटा। और जब तुम दोनों गए थे ना, तुम्हें पता भी नहीं क्या हुआ, और उनके घर पुलिस आ गई। लेकिन क्यों? तेज म्यूजिक बजाने के चक्कर में पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया। क्या? हाँ। वरुण जी को पुलिस ले गई? नहीं, ले नहीं गई, भाई साहब सही टाइम पर पहुंच गए और संभाल लिए। बेटा इसीलिए तुम्हारी मम्मी को थोड़ी चिंता थी। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, समझिए कि ये पहली और आखिरी बार था। बेटा नाराज होने की तो बात ही नहीं है, घूमना फिरना तो अच्छी बात है, और तुम दोनों इस उम्र में नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे? लेकिन बेटा अंधेरे के बाद थोड़ा बता के जाया करो तो ठीक रहता है। और हाँ, अगली बार आइसक्रीम खाने जाओ तो हमारे लिए भी ले आना, ठीक है तनुजा जी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बड़ा हमारे बेटे को ले जाएंगे आइसक्रीम खिला, वो भी हमें बिना बताए। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं कह रहे हम, और हम यही पहरेदारी करते रहे तो रात में सोएंगे कब, और सुबह में सब काम कौन करेगा? और आप भी चलिए, आपको दुकान नहीं जाना है कल, और तुम दोनों यही खड़े रहोगे कि अब और कुछ करना है? आइसक्रीम खा लिए ना, अब चुपचाप से सो जाओ, चलो। बेटा आ गया, अंदर चलिए। पापा प्लीज, अब से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे बंद। बेटा क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? आपने अपनी कसम देके मुझे यहाँ बुला तो लिया, लेकिन अगर पापा को पता चल गया वो आप पे भी भड़क जाएंगे। अपने बेटे को अपने घर पे बुलाने के लिए हमें किसी का डर नहीं, और वैसे भी आपके पापा बाहर गए हैं, इसीलिए तो हमसे रहा नहीं गया। पर मम्मी, पापा के पीठ पीछे ये सब, मुझसे तो वो वैसे ही नाराज है। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा वो पिता है आपके, बस नाराज है आपसे, और यही उनका प्यार दिखाने का तरीका है।
अब ये सब मत सोचिए, आप बस चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। आई आई ये देखिए, सब कुछ हमने आपकी पसंद का बनाया है। बैठिए। थोड़े दिनों में कितने कमजोर हो गए आप, क्या खाना नहीं मिलता है ना आपको? जी दीजिए, आप भी तो खाओ। बाद में खा लेंगे, आप खाइए। आज अच्छे से खाना खाना, ठीक है? हमें पता था कि आप यही मिलेंगे। कल हमारी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ी हैं, पर नहीं, आपको यहां आकर अपनी मम्मी के साथ बैठ के आराम से खाना खाना है। वरुण जी, आपसे ना ये घर नहीं छूटता, और इनके सामने आपको हमारा दर्द नहीं दिखता। कीर्ति प्लीज, आज कोई तमाशा मत करना। कीर्ति, आपसे अपना घर तो संभाला नहीं जाता, ऊपर से हमारे बेटे की हालत ऐसे कर दी है कि घर के दो निवाले भी नसीब नहीं होते उनको। आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, आपकी वजह से कल पुलिस उनको उठाकर लेके जाने वाली थी। लेकिन आपकी तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती है। आपकी वजह से हमारे बेटे की इज्जत दांव पे लग गई, और आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? कोई एहसान नहीं किया आपके बेटे ने। जो कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अरे इतनी कुर्बानी दे रहे हैं ना ये, तो हमने भी अपने सपनों का गला घोटा ये शादी करके, और ऊपर से आपके रोज रोज के ताने। इतना बेटा बेटा करना था ना, तो पल्लू से बांध के रखती, शादी क्यों कराई? नैना जी, क्या हाल है आपका? हाल बेहाल हुए पड़े हैं यशवी जी। समझाइए अपनी बेटी को, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इन्होंने हमें चैन से जीने दिया। आपने हमारी मम्मी को फोन कैसे लगा दिया? कीर्ति, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? अभी के अभी माफी मांगो उनसे, हर बार तुम्हारी जिद नहीं चल सकती, माफी मांगो। आप तो यही चाहती थी ना मम्मी, कि दोनों बेटियों की शादी हो जाए और आपकी जान छूटे। एक बार भी नहीं सोचा कि हम पे क्या बीतती है। कीर्ति प्लीज, बस करो, बहुत हो गई। कीर्ति, तुम जितना मर्जी अपना दुखड़ा रोलो, पर तुम्हारी सच्चाई नहीं छुप सकती। हम अच्छी तरह जानते हैं वहाँ किस पर क्या बीतरी होगी। वाह, ठीक है, आज आपने भी हमें सबके सामने बेइज्जत कर ही दिया। हम जो है मम्मी वो है, पर दीदी तो बुरी नहीं है ना? दीदू तो बहुत अच्छी है, फिर ये लोग उन्हें क्यों नौकरानी बना के रखते? क्या बोल रही हो तुम? हमने तो आपको सब कुछ बताया, पर आपने आपने कुछ भी नहीं किया। एक बार डॉक्टर को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेती। दही किसने खुला छोड़ दिया? Thank you.
जी जी सर, हाँ हाँ, हम लोग बस मम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुंच ही रहे हैं। श्रद्धा, तुम कहाँ जा रही हो भाई? हाँ मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैंने सुबह का सारा काम कर दिया है। हाँ तो तुमने काम तो कर दिया है ना, सब ठीक है। मम्मी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं, लेकिन देखो अभी तक प्रेस ही नहीं हुआ है, कैसे जाऊंगी मैं कॉलेज? अरे श्रद्धा, तुमने कपड़े इस्त्री नहीं किए? नहीं मम्मी जी। और वो जेवर जो हमने चमकाने कहा था उसका क्या, मतलब नींबू का अचार भी नहीं डाला? मम्मी जी इन सब काम के बारे में मुझे पता ही नहीं था। अरे क्या मतलब है पता नहीं था? सोनिया तुमसे हमने कहा था ना पर्चा ऐसे देने के लिए, क्या हुआ? तो मैंने दिए तो थे। पर्चा? कौन सा पर्चा, मुझे नहीं पता। अरे श्रद्धा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें वो पर्चा दिया तो था, तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो सोनिया, तुमने मुझे पर्चा दिया ही नहीं है। एक मिनट, तुमने अपने पर्स में रखा था ना वो, मुझे याद है, मैं देखती हूँ तुम्हारे पर्स में। नहीं सोनिया, ये देखो ये तो रहा। देखो ये तुमने मुझे कभी नहीं दिया सोनिया। अरे श्रद्धा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ये तुम्हारे बैग से निकला है, देखो मैंने तुम्हें दिया था। मैं और आरती दोनों आए थे ना तुम्हें ये देने के लिए। आरती बता इसको, बता इसको कि हम दोनों साथ में गए थे ना ये पर्चा देने। अरे बोल ना आरती। आरती बता ना, वरना वो मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रही है। हाँ हमने पर्ची दी थी आपको साथ में। आरती अब आप ही झूठ बोलने लग गई है क्या? श्रद्धा बेटा, अगर तुम्हें काम नहीं करना था और अपने मायके ही रहना था तो सच बता देती बेटा, ऐसे हमारे खानदान को झूठा मत कहो, बहुत दर्द होता है हमें। बुआ जी मैंने कभी किसी काम के लिए मना किया है? मैं तो सारा काम कितना मन से करती हूँ, तो आज मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हें अपने मायके से बहुत प्यार है, अपनी मम्मी का बहाना बनाती हो बीमारी का ताकि तुमको कोई काम ही ना दे, और अब तो अभय भी तुम्हारी बातों में आ जाता है। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी मम्मी की ही बनाई तिगड़म है कि तुम दोनों बहनों को। बस सोनिया, खबरदार, अब एक शब्द अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिल्लाओ मत, एक तो झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, हमारे घर में तुम अपनी आवाज ऊंची करने लगी हो, और इस घर में चिल्लाने का हक सिर्फ हमारा है, और झूठे इंसान पर हाथ उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। मम्मी, क्या करने वाली थी आप? श्रद्धा को थप्पड़ मारने वाली थी? बोलो मम्मी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको श्रद्धा को थप्पड़ मारना पड़ रहा है? तनुजा जी, श्रद्धा से ऐसी क्या गलती होगी कि आप उसको आ, आ,
ये क्या आप दोनों मम्मी जी से क्या पूछ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे जो पड़ोसी है ना, उनके घर कल बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, बहुत शोर भी हुआ था, तो वही मम्मी जी मुझे बता रही थी कि कैसे झगड़ा शुरू हुआ। हाँ हाँ, हम वही बता रहे थे कि कैसे वो काजल भाभी है ना, जो अपने पड़ोस में रहती हैं दो घर छोड़ के, वो ना अपनी बहू से बहुत गुस्सा आ गई थी, बहू बात ही नहीं मान रही थी, तो उनमें इतना खटपट हो गया कि वो चिल्लाई और फिर उनका हाथ उठ गया, तो यही बात हम बस बता रहे थे। हम सब मिलकर यही तो यहाँ खड़े रहकर देख रहे थे, ये हमारी तनु भाभी भी ना इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, पूरी बात ना नाट्य रूपांतर करके हम सबको बता रही थी और भावनाओं में बह गई। और ये श्रद्धा, उसे भी ना बहुत बुरा लग रहा था बहू के लिए, बेचारी। तनु भाभी, यशवी जी आइए, हम अपनी गपशप में ना इन्हें चाय पानी पूछना ही भूल गए। अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए। श्रद्धा बेटा, तुम ना मम्मी के साथ आराम से बैठो और बतियाओ, तब तक हम चाय नाश्ता बनाते हैं। हाँ, और मम्मी जी इसकी जरूरत नहीं है, मैं ले आती हूँ ना। अरे बेटा, फिकर काहे कर रही हो, अरे हाथ पैर हमारे चल रहे हैं ना, तब तक हम बना सकते हैं। जाओ जाओ बैठो और आराम से बैठो, हम लेके आते हैं। चलिए यशवी जी, आप आराम से बैठिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ बेटा, बैठो अपनी मम्मी के साथ। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। हमें अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है, तो हम आपसे बाद में मिलते हैं। खुश रहो। आइए आप बैठिए ना। वो मुझे भी काम के सिलसिले में एक कॉल करनी है। श्रद्धा, तुम अपनी मम्मी के साथ आराम से बैठो, मैं आ रहा हूँ। अरे आइए ना मम्मी, बैठते हैं, आइए ना। दीदू तो बहुत अच्छी है, फिर ये लोग उन्हें क्यों नौकरानी बना के रखते हैं? श्रद्धा, तुम्हें हमारी कसम है, सच सच बताओ, तुम यहाँ ठीक हो ना? आज ना हम ठीक कर देते हैं इसे, पर जब अपना बेटा ही हाथ से निकल गया है तो हम कर भी क्या सकते हैं? हम आपका तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हम बड़े हैं, ऐसे हाथ उठाना शोभा नहीं देता हम पे। अरे हम तो जो भी करते हैं ना, वो गलत ही लगता है। अरे आज तो ना श्रद्धा की किस्मत अच्छी थी कि वो हमारे गुस्से से बच गई। हाँ भाभी, आप हमारी एक बात मानिए, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा सारी बातें जाकर अपनी मायके में बताने लगी। अरे मम्मी, कुछ बताने लायक होगा तब तो बताऊंगी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। तुम्हें पता है ना, तुम अपने मम्मी पापा से कोई भी बात बेझिझक कह सकती हो। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ना तो हमें बताना बेटा। मम्मी, अभय के रहते मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं मुझे। अब रही बात कीर्ति के आए दिन के तमाशे की, तो उसे सिर्फ मैं नहीं, पूरा परिवार परेशान है। देखो बेटा, तुम्हें कोई भी दुख हो तो हमें बताओ कि ना। देखो, कीर्ति की परेशानियों मैं सहन कर सकती हूँ, वो तो शुरू से ऐसी थी, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम दुखी हो तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। श्रद्धा, कीर्ति को तो बर्दाश्त कर लिया नैना भाभी ने, मगर श्रद्धा वो बहुत ही अलग है, शांत जरूर है मगर बहुत ही ज्यादा तेज है,
उसे काबू में करने के लिए हमें कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भाभी, कीर्ति का इस घर से जाना हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, मगर अगर श्रद्धा इस घर से गई तो भारी नुकसान होगा। इस साड़ी को ना तुम संभाल कर साफ करना, ये साड़ी ना हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तो अगर इसमें एक भी दाग लग गया तो हमारा दिल बिल्कुल टूट जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं इस साड़ी को उतने ही प्यार से तैयार करूंगी जितना आप इसे हर साल करती हैं। तुम्हारे इस प्यार के ना दाग तो मैं लगाऊंगी श्रद्धा, तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी मैं।